हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक नए वीडियो के साथ। मैं आज सबको बताने जा रहा हूँ कि टॉक बैक जो फंक्शन होता है वो किस लिए होता है और क्या काम आता है, ये बता रहा हूँ। स्मार्टफोन जितने भी हैं सभी फ़ोन में टॉक बैक का ऑप्शन होता है, और वो अगर ऑन हो जाता है तो समझ में नहीं आता है क्या करें, इसके लिए मैं बताने जा रहा हूँ। टॉक बैक जो ऑप्शन है वो ब्लाइंड लोगों के लिए रहते हैं, जो अंधे लोग रहते हैं उन लोगों के लिए रहते हैं। डबल टैप से वो फ़ोन को वर्क करते हैं। देख लेते हैं वो प्रॉब्लम कैसे होता है। पहले सेटिंग में जाएंगे, कोई सा भी फ़ोन होगा उसके सेटिंग में जाएंगे, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी दिया होगा उसके अंदर जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी के अंदर जाएंगे, यहाँ पे ऊपर में ही टॉक बैक का ऑप्शन है, टॉक बैक में जाएंगे, ये टॉक बैक है इसको ऑन करेंगे। जैसे ही टॉक बैक ऑन होगा ये ऑटोमेटिक एक आवाज़ आने लगेगा मोबाइल से, और ये हरा पट्टी बन जाएगा, अब फ़ोन काम नहीं करेगा। आप देखिए कुछ भी काम नहीं कर रहा फ़ोन, घबराएं नहीं अगर ऐसा कुछ होता है तो, इसमें दो उंगली से ये फ़ोन काम करेगा। ये देखिए यहाँ पे जाएंगे बैक बटन पे, डबल क्लिक करेंगे बैक करने के लिए, फिर यहाँ जाएंगे जिस भी ऑप्शन में जाना है वहाँ पे जाके डबल क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा। बैक पे जाएंगे डबल क्लिक करेंगे, डबल उंगली को स्क्रीन पे रख के ऐसे करेंगे तो कर्सर काम करेगा, ना तो नहीं काम करेगा। मान लीजिए स्क्रीन पे आ गए, अब घबराना नहीं है, फिर से जाएंगे सेटिंग में, उसी में जाएंगे शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी में, अभी देखिए काम नहीं कर रहा है, घबराना नहीं है, ऐसे करेंगे, फिर शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे। ऑफ करने के लिए मैं बता रहा हूँ, फिर से टॉक बैक में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फिर डबल क्लिक करेंगे, टैपिंग स्टॉप विल स्टॉप टॉक बैक, स्टॉप पे जाएंगे फिर डबल क्लिक करेंगे, टॉक बैक ओपन हो गया, अब नॉर्मली काम करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।